हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में कुल 21 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 रहेगा। एग्जाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं ये कहां से शुरू की गई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी जो है ये चंडीगढ़ से शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 14 जनवरी 2021 को चंडीगढ़ से हिसार के लिए देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई थी। इस उड़ान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई। गौरतलब है कि भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उस देश का आम नागरिक ICM उड़ान के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा के नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत 54वें हवाई अड्डे का परिचालन शुरू हो गया। इस योजना के तहत अभी तक 5 हेलीकॉप्टर और 2 वाटर एयर ड्रम सहित 307 रूट व 54 हवाई अड्डों का परिचालन शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि हिसार भारत में गल्वनाइज्ड आयरन का विनिर्माण करने वाला सबसे बड़ा शहर है। इस रूट पर उड़ान परिचालन की शुरुआत से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और क्षेत्र के हवाई संपर्क में सुधार होगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, भारत का प्रथम देसी विकसित DNA ब्लामिड टीका है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जायकोव डी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र 25 सितंबर भाषा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत ने COVID-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA टीका विकसित किया जिसे 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी, किसने लिखी है। विशाल भारद्वाज, गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, उदय भाटिया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदय भाटिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उदय भाटिया ने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर है। यह पुस्तक एक बॉलीवुड फिल्म पर आधारित है जो मुंबई की गैंगस्टर फिल्म सत्या पर आधारित है जो 1988 में रिलीज हुई थी। चौथा क्वेश्चन, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। समुद्री गाय के संरक्षण के लिए तमिलनाडु तट पर पहली बार रिजर्व की स्थापना की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वॉक्साइड आयक्स है तो वॉक्साइड आयक्स जो है ये किसका है। तो वॉक्साइड आयक्स है एल्यूमिनियम का। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक आयक्स है, यह विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसमें वॉक्साइड AlOS3 ब्रोमाइड तथा डाइस्पोर्ट तथा 2 लोहे के ऑक्साइड गोथाइट एवं हेमाटाइट एवं एनाटेस TiO2 की अल्प मात्रा मिश्रित होती है। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसे लॉफिंग गैस यानी कि हास गैस के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है N2O के नाम से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे प्राय हास गैस, लॉफिंग गैस या NOx कहा जाता है, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। सामान्य तापमान पर यह रंगहीन, अज्वलनशील, गैर एक मोहक गंध और हल्के मीठे स्वाद के लिए होती है। इसका प्रयोग शल्यक्रिया और दंत चिकित्सा में इसकी एनेस्थीसिया और एल्केसिक प्रभाव के कारण होती है। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइस क्वेश्चन है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? वची गुहा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। फेफड़े मानव शरीर में हृदयावरणी गुहा में स्थित होते हैं। वे वच गुहा में उरोस्थि के दोनों ओर स्थित होते हैं और पांच मुख्य खंडों पालियों में विभाजित होते हैं। वे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और उसमें ऑक्सीजन जोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक रोग है जिसमें आपकी धमनियों के अंदर प्लॉक बनने लगता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को आपके हृदय और शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाती हैं। वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और रक्त में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों से प्लॉक का निर्माण होता है। समय के साथ प्लॉक आपकी धमनियों को कठोर और संकीर्ण बना देता है तथा यह आपके अंगों और शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को बाधित करता है। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, RVM का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है ये कहां पर उगता है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जमीन के अंदर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अरवी, इसको बोलते हैं तारो, एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है जिसे इसकी जड़ में लगी अरवी नामक सब्जी के लिए मुख्यतः उगाया जाता है। इसके साथ ही इसके बड़े बड़े पत्ते भी खाद्य हैं। ये बहुत प्राचीन काल से उगाया जाने वाला पेड़ है। कच्चे रूप में पेड़ जहरीला हो सकता है, ऐसा इसमें मौजूद कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। हालांकि ये लबड़ पकने पर नष्ट हो जाता है या इनको रात भर ठंडे पानी में रखने पर भी ये नष्ट हो जाता है। अरबी अत्यंत प्रसिद्ध और सभी की परिचित वनस्पति है। अरबी प्रकृति ठंडी और तर होती है। अरबी के पत्तों से पथथेलिया नामक वानगी बनती है। अरबी कंद फल, कोमल पत्तों और पत्तों की तरकारी बनती है। अरवी गर्मी के मौसम की फसल है। अरवी गर्मी और वर्षा के ऋतु में होती है। अरवी की अनेक किस्में होती हैं जैसे कि राजाल, धवालू, काली आलू, मंडले आलू, गिमालू और रामालू। इन सब में काली अरवी उत्तम है। कुछ अरवी में बड़े और कुछ में छोटे कंद लगते हैं। इनसे भांति भांति वानगियां बनाई जाती हैं। अरवी रक्त पित्त को मिटाने वाली दस्त है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को रोकने और वायु को प्रकोप करने वाली है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दसवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत हैं। तो ये अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। क्वाश्योर रोकर, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्वाश्योरकर रोग भोजन में प्रोटीन्स की लगातार कमी के कारण होता है, जिसमें पेट व पैर फूल जाते हैं, त्वचा सूखी, पपड़ीदार व सफेद दाग युक्त हो जाती है तथा यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की शुरुआत में 1906 में गठित किया गया था। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। मुस्लिम लीग की शुरुआत 1906 में गठित किया गया था ढाका। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एक अलग मुस्लिम देश की वकालत करने वाले मुस्लिम लीग के नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना सबसे प्रमुख थे। वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं की 3 दिन की बैठक के बाद 30 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी गठन की घोषणा की गई थी। 14वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में की गई थी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। मद्रास 1864। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा
और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 15वां क्वेश्चन, INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल किला दिल्ली में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया गया था। बोस INA के सर्वोच्च सेनापति थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलीपींस, आयरलैंड आदि देशों ने मान्यता भी प्रदान कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज INA का स्वयं निरीक्षण करके उसका पुनर्संगठन किया। फौज को अभिवादन में जय हिंद कहना था। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के वैधानिक सभापति के समान होती है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। उसमें उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्रवाई में निष्पक्षता बनी रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जो कि अपना पूर्वाधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन है, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने की हकदार हैं। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया। योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर 6,100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।